जब भी कोई बॉडी है ना सर्कुलर पाथ रोटेशन शो करती है, तो हमें मालूम है कि उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है, जिसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, उसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल रहती है। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कार है जो इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। इस पॉइंट पर उसकी लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरफ है, यहाँ पर पहुँच के उसकी शायद यहाँ पर पहुँच जाए, और अगर इस पॉइंट पर है तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ऑफ द सर्कल हो जाएगी। यानी कि हर पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट टू द सर्कल रहती है। और हमें मालूम है कि जो हमारी वेलोसिटी है उसमें चेंज उस वक्त आता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज तब्दील होता हो या फिर उसकी डायरेक्शन में तब्दीली हो। एक बात यहाँ पर जहनशीन कर लीजिए कि हमारी जो वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड में कोई तब्दीली नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है, लेकिन हर पॉइंट पे जो हमारी लीनियर वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब डायरेक्शन चेंज होती है तब भी हम कहते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है वो तब्दील हो रही है। अब ये जो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये कुछ वेक्टर्स की तरह है। अगर हम इन वेक्टर्स को आपस में एडअप करें तो शायद हम बता सकते हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। चलिए इन्हें एड अप करके देखते हैं कि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आती है। फर्स्ट कर लेते कि हमारी वी वन है, ये वी टू, ये वी थ्री, इसी तरह ये वी फोर है। अब इन्हें आपस में एड अप करते हैं, ये वी वेक्टर इसी तरह से यहाँ पर आ गया, यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं वी वन है, इसी तरह ये जो वी टू है इसे यहाँ पर, और इसी तरह ये वी थ्री, इस तरह से, और इसी तरह सो ऑन ये आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जितने वेक्टर्स हम जितने पॉइंट पर हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी ड्रॉ करते जाएंगे उसी तरह से ये वेक्टर्स भी बढ़ते चले जाएंगे। अब देखा जाए तो ये वी वन से चेंज होती हुई वी टू तक आई है, वी टू के बाद वी थ्री पर चेंज हो गई है। चेंज सिर्फ डायरेक्शन में हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी को जो है हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारी जो लीनियर वेलोसिटी है वो तो टेंजेंट टू द सर्कल है, लेकिन ये जो डेल्टा वी है जिसे हम लोग चेंज इन वेलोसिटी कह रहे हैं, ये हमेशा सेंटर की तरफ रिएक्ट करती है। यानी कि अगर इसकी हम लोग डेल्टा वी की बात करें तो ये भी सेंटर की तरफ एक्ट करेगी, इसकी डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी भी सेंटर की तरफ, अगर यहाँ पर कोई और वेक्टर है तो उसकी भी सेंटर की तरफ। इसी तरह हर लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी की जो चेंज इन वेलोसिटी है जिसे हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमेशा सेंटर की तरफ ही रिएक्ट करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी जो है हमेशा सेंटर की तरफ ही क्यों रिएक्ट करती है। हो सकता है कि हमारी जो ये वेलोसिटी है जिसे हम चेंज इन वेलोसिटी कह रहे हैं, इसे कोई ना कोई फोर्स जो है वो एक्ट करती हो कि ये सेंटर की तरफ ही एक्ट करे। इस फोर्स को जो चेंज इन वेलोसिटी को हमेशा सेंटर की तरफ खींचे, सेंटर की तरफ रिएक्ट कराए, इसे हम लोग कहते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसे हम लोग कहते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल जो है वो सेंटर से निकला है, सेंटर मतलब दरमियान की तरफ, किसी भी दायरे के मरकज की तरफ पिटल खींचना, सीकिंग। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स जो किसी भी सर्कल में मूव करने वाली बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हर बॉडी जो इन्हें सर्कुलर पाथ मूवमेंट शो करती है वो इसी फोर्स की वजह से ही मूवमेंट शो कर पाती है। अगर ये फोर्स ना हो तो कोई भी बॉडी ना सर्कुलर पाथ रोटेशन शो नहीं कर सकती। जैसे कि अगर हमारी जो कार्स वगैरह हैं अगर वो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो सेंटर से उस सर्कुलर पाथ के सेंटर से कोई ना कोई फोर्स एक ऐसी एक्ट करती है जो इस बॉडी को, इस सर्कल में मूव करने वाली बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। और जैसे ही इस फोर्स को खत्म कर दिया जाए, मतलब एक मिनट के लिए सोच लीजिए कि ये फोर्स खत्म हो गई है, तो क्या होगा? इस फोर्स के हटाने से होता ये है कि हमारी जो बॉडी ना सर्कुलर पाथ मूव कर रही है, जैसे ही वो फोर्स हटती है तो वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेट्स से कि हमारी बॉडी इस पॉइंट ए पर है, जैसे ही फोर्स हट जाएगी तो हमारी जो बॉडी है वही ना इस डायरेक्शन में, इस टेंजेंट के अलोंग जो है मूव कर जाएगी स्ट्रेट पाथ। अगर यहाँ पर बी की बात करें तो यहाँ पर आकर अगर हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर से एक्ट कर रही है उसे हटा लें, तो हमारी जो कार या जो बॉडी ने सर्कुलर पाथ मूवमेंट शो कर रही है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाती है। इसलिए किसी भी सर्कुलर पाथ में किसी भी बॉडी के मूव करने के लिए ये फोर्स मस्ट एक्ट करती है उस बॉडी पर, उसे सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के लिए। और जो हमारी डेल्टा वी है वो इसी वजह से हमेशा सेंटर पर एक्ट करती है, इस फोर्स की वजह से।
और लीनियर वेलोसिटी और जो चेंज इन वेलोसिटी है इनके दरमियान हमेशा 90 का एंगल होता है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि अगर हमारी जो यूनिवर्स में इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इसी फोर्स की वजह से ना सर्कुलर पाथ रोटेट कर पाती हैं। जैसे कि हमारी ये जो कार है जो ना सर्कुलर पाथ मोमेंट शो कर रही है, वो भी इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही मूवमेंट शो कर पा रही है। और जैसे ही ये सेंट्रीपिटल फोर्स इससे हट जाए, इसे हटा लीजिए, तो ये जो कार है अगर इस पाथ पर मूव कर रही है तो फोर्स के हटने से टेंजेंट टू द सर्कल मूव कर जाती है, टेंजेंट टू द सर्कल मूवमेंट शो कर देती है जिस भी पॉइंट पर वो जा रही होती है। इसी तरह अगर एक मिनट के लिए सोचा जाए तो हमारे ये जो अर्थ है, हमारे जो यूनिवर्स है, हमारी अर्थ भी तो सन के अराउंड इन अ सर्कुलर मोशन में ही रोटेट करती है, और मून हमारी अर्थ के अराउंड है। इस सब मुख्तलिफ प्लैनेट जो है वो हमारे सन के अराउंड जो है रोटेशन शो कर रहे हैं। और जो सेंट्रोपिटल फोर्स है जो इन तमाम के तमाम प्लैनेट्स को इन अ सर्कुलर पाथ रोटेशन शो करा रहे हैं, वो तो सन की सेंट्रोपिटल फोर्स है। सन उसे सेंट्रोपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है इन सब के सब प्लैनेट्स को, तभी तो वो इन अ सर्कुलर पाथ मूवमेंट शो कर रहे हैं। अगर ये जैसे कि इस तरह से देख लिया जाए कि जो हमारी अर्थ है ये मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं, ये सन के अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ में रोटेशन शो कर रहे होते हैं। अगर सन इन्हें फर्श कर लें कि सन ने इन्हें सेंट्रोपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं की, तो क्या होगा कि ये सब के सब प्लैनेट टेंजेंट टू द सर्कल मूव कर देंगे। अगर ये प्लैनेट को फर्स्ट करें कि इस प्लैनेट को सन ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं की, तो ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इसी डायरेक्शन में इस तरह मूव कर जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, तो इस पूरी की पूरी यूनिवर्स का जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अल्लाह पाक ने इतना अच्छा निज़ाम रखा है कि हर चीज़ जो है उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के लिए कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूर एक्ट कर रही होती है। जैसे कि और अच्छी एग्जांपल से आप एटम को देख लीजिए, जो कि एटम एग्जिस्ट करता है, तो एटम के सेंटर पर जो है न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अराउंड जो है हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन को भी ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये प्रोटॉन या न्यूक्लियस प्रोवाइड करते हैं, तभी तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के काबिल होता है। अगर सेंटर से प्रोटॉन हटा लिए जाए खाली, या सेंटर से सेंट्रीपिटल फोर्स ही एक्ट ना करे, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कभी भी ना सर्कुलर पाथ रोटेशन शो नहीं कर सकता, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। इसकी वजह ये है कि इसको सेंटर से कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है जिसे सेंटर में रोटेट कराने के काबिल बना रही है, और ये फोर्स जो है ये न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स की वजह से होती है जिसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह इसकी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं कि हर चीज़ जो ना सर्कुलर पाथ रोटेशन शो करती है उस पर सेंटर से, उसी सर्कल के सेंटर से कोई ना कोई फोर्स ऐसी एक्ट करती है जिसे ना सर्कुलर पाथ रोटेट कराती है, और इस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, यानी कि सेंटर से लगने वाली फोर्स। इसी तरह हमारी बच्चों के मुख्य खेलने वाले झूले होते हैं, मेरी गो राउंड, ये इस तरह का कोई भी झूला है, तो ये सर्कुलर पाथ में रोटेशन शो कर रहा होता है। और अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसके सेंटर से एक्ट करिए ना एक्ट करे, तो ये जो झूले हैं ये बिल्कुल टेंजेंट टू द सर्कल मूव कर जाए। इसी तरह इसकी मजीद एग्जाम्पल्स भी हैं। इसी तरह मुख्य एग्जाम के गोल घूमने वाले झूले हैं, गाड़ियाँ वगैरह जो ना सर्कुलर पाथ रोटेशन शो करती हैं, तो वो सर्कुलर पाथ में इसी वजह से रोटेट कर पाती हैं कि सेंटर से कोई ना कोई फोर्स उन्हें इस काबिल बना रही होती है कि वो इसी सर्कुलर पाथ में रोटेट करते जाएं। और जब तक कि ये सेंटर से लगने वाली फोर्स एक्ट कर रही होती है जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, तब तक हर बॉडी ना सर्कुलर पाथ मूव करती जाती है, और जैसे ये फोर्स हटा ली जाए तो वो बॉडी जो है ना टेंजेंट टू द सर्कल मूव कर जाती है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखा जाए तो ये जो कार है ना सर्कुलर पाथ मूवमेंट शो कर रही है, इसी वजह से शो कर पा रही है कि इसके सेंटर से एक फोर्स एक्ट कर रही है जो इसे ना सर्कुलर पाथ रोटेट करा रही है। अब बात ये है कि जब भी कोई न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक जब भी किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है, तो इस फोर्स के एक्ट करने से इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। देखा जाए तो ये एक्सेलरेशन जो है, यानी कि न्यूटन ने कहा था कि जो फोर्स है वो बराबर होती है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। अगर हम शुरू से देखें कि हम लोगों ने स्टार्ट में कहा था कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और चेंज किस लिहाज से हो रहा है, किसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और हम लोगों ने कहा था कि एक्सेलरेशन उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब या तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो। तो यहाँ पर तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर तब्दील हो रही है, तो इसका मतलब है इसमें एक्सेलरेशन भी हर पॉइंट पर तब्दील होता चला जा रहा है और एक्सेलरेशन भी पैदा हो रहा है।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो बिल्कुल ठीक कहता है कि किसी भी फोर्स के एक्ट करने से हर बॉडी में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है, और इस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट कर लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक यो-यो टाइप में कोई भी एक स्टोन, कोई भी ऐसा एक खिलौना है जिसको आपने बांधा हुआ है रस्सी से या किसी भी डोरी से, थ्रेड से, और उसे आप इन सर्कुलर पाथ रोटेट करा रहे हैं, तो आप अपने हैंड से इस बॉडी पर एक फोर्स लगा रहे हैं जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इस फोर्स के लगने की वजह से ही आपकी जो बॉडी है, जो भी आपका ये टॉय है, बॉब है, ये ना सर्कुलर पाथ रोटेशन के काबिल हुआ है, और जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स के लगने से इस एम मास रखने वाली बॉडी पर कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। फर्स्ट कर लीजिए कि आप जो स्टोन को अक्सर थ्रेड, ये स्टोन है फर्स्ट कर लीजिए, जिसे आप थ्रेड बांध के या कोई योयो टाइप आपका ट्रॉय है जिसे आप लोग बांधते हैं ना सर्कुलर पाथ रोटेट कराते हैं, जब तक आप इस पर फोर्स लगाते हैं ये ना सर्कुलर पाथ मूवमेंट शो करता रहता है, लेकिन जैसे ही आप हटा देते हैं अपनी फोर्स, हाथ से उस थ्रेड को छोड़ दें, तो आपका ये स्टोन या यो-यो ना टेंजेंट टेंजेंट की तरफ मूव कर जाता है, टेंजेंट टू द सर्कल। तो हम कह सकते हैं कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगती है इन अ सर्कुलर पाथ, तो उस फोर्स को हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं, और इस फोर्स के लगने से एम मास रखने वाली किसी भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन है कि ये सर्कुलर पाथ में किस तरह से पैदा होते हैं।